वेलकम बैक टू माई चैनल. दिस इज एपिसोड 3 ऑफ फैशन विद के. तो गाइज, अभी मैंने जो हेयर स्टाइल बनाया पूरा, जो भी किया है, अभी तुम अच्छे से मत देखो, बाद में इस पूरी वीडियो में आगे तुम्हें पूरा हेयर स्टाइल दिखेगा कि मैंने कैसे बनाया कैसे नहीं. सो बिना डिले किए पूरी वीडियो देखो गाइज. तो गाइज, अब मैं आ चुकी हूँ सलोन और मैं यहाँ पे कर रही हूँ वॉइस ओवर, क्योंकि सलोन में बजते हैं खूब धूम धड़के से डीजे और यहाँ पे हम व्लॉग नहीं कर पाते. अब भैया हेयर क्लिप लेके मेरे हेयर को वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मैं भूल गई गाइज. तो गाइस फाइनली अब हम बनाने वाले हैं अपना हेयर स्टाइल, और आज का हेयर स्टाइल हमारा बहुत अलग, तो पूरी वीडियो देखना और तुम्हें हेल्प करेगा, तुम घर पे भी कर सकते हो. अब भैया मेरे सुंदर लंबे शाइनी तो नहीं लग रहे अभी इस टाइम पे बिल्कुल भी, बालों को कॉम कर रहे हैं और कर रहे हैं ब्लो ड्राई, ताकि जो ऑलरेडी वेव्स आई हुई हैं वो सब वो हो जाएँ गाइस, क्या हो जाएँ, बाल स्ट्रेट हो जाएँ यार. उसके बाद मैं यहाँ तेरे नाम बन के बैठ गई थी, काफ़ी सुंदर लग रही हूँ. और मेरे को ना अभी वीडियो में देख के लगा कि मुझे टचअप पिक की भी नीड है गाइस. मैं बीच में अटक क्यों रही हूँ यार वॉइस ओवर देते टाइम, बट कोई नहीं, चलता है, नेचुरल वॉइस ओवर है गाइस. तो जिनको ब्लो ड्राई नहीं करना आता ना खुद से, वो इस वीडियो को देख के वो भी सीख सकते हैं, क्योंकि मैं भी खुद कर लेती हूँ ब्लो ड्राई, बट सलोन पास है तो चले जाते हैं गाइस. उसके बाद ऐसे क्राउन पार्ट को ऐसे करते हैं ब्लो ड्राई, साइड पार्ट्स को ऐसे करते हैं, और गाइस फ्रंट वाले हेयर को मैं ऐसे ब्लो ड्राई कराती हूँ. जो मेरा हेयर कट है तो उसके जो बैंग्स हैं वो बहुत अच्छे से फेस पे आ जाते हैं. वैसे मैं प्रेसिंग मशीन से भी कराती हूँ उनको सेट, बट आज ब्लो ड्राई ओनली. अभी गाइस नॉर्मल ड्राई हुआ है, अब हम इसको करेंगे कर्ल वाले. तो अब गाइस भैया ले आए थे कर्लर, और ये नॉर्मल टोंग नहीं है जो वो पतले वाली होती है, ये मोटे वाली टोंग, क्योंकि मुझे चाहिए होते हैं गाइस मोटे वाले वेव्स. वो जो पतले पतले रिंग्स जैसे होते हैं ना, वो मेरे को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, वो मुझे ओल्ड फैशन लगते हैं, और मैं जेंजी हूँ गाइस, जेंजी. तो मैं ऐसे न्यू वाले करवाती हूँ कर्ल्स, पता नहीं क्यों इतना बोल रही हूँ, बट आप लोग देख सकते हो कौन सी कर्लर मशीन से भैया कर्ल कर रहे हैं, किस टोंग से कर्ल कर रहे हैं. ये थिक वाली है और वो पतले वाली टोंग नहीं है, इससे बीच वेव्स आते हैं गाइज इससे. तो मेरी तो ये फेवरेट है. अब गाइज मैं बोल बोल के थक गई हूँ, अब तुम ना थोड़ी देर ये वाला सॉन्ग सुनो, समर टाइम सैडनेस, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है गाइज, हद से ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे. I just wanted you to know that baby, you're the best. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. हम अब पोनी करें, मिड करें या फिर कैसे करें? मिड अच्छी लगी. सर पोनी पोनी इधर भी है, पटाओ. पर आगे से ना चंपड़ वंपड़ नहीं बनना, या तो इसको कर्ल कर लेंगे या फिर आप अपने हिसाब से. तो यहाँ आ चुके थे दूसरे भैया मेरी पोनी टेल बनाने, और ये वाले भैया बहुत अच्छे हेयर स्टाइल्स बनाते हैं गाइज. तो शुरुआत होगी हेयर स्प्रे से, पर हमें चलेगा कभी कभी हेयर स्प्रे. शायद मैंने ये 4-5 महीने बाद आज हेयर स्प्रे लगवाया अपने बालों में, और हेयर स्प्रे से सही में हो जाते हैं बाल बहुत ज़्यादा बेकार गाइज, क्योंकि केमिकल तो आपकी चीज़ों को हार्म करता ही है, चाहे बाल हो या स्किन हो या कुछ भी हो गाइज. तो भैया देखो कितनी ज़्यादा परफेक्शन के साथ मेरी पोनी टेल बना रहे हैं, और अभी तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि पीछे के बाल की पहले पोनी टेल बनेगी, और आगे आगे देखना भैया कैसे मेरी इस पोनी टेल को बनाएंगे और कितनी ज़्यादा सुंदर लुक देगी. I'm feeling electric tonight, cruising down the coast going about 99. Got my bad baby by my heavenly side, I know if I go I'll die happy tonight. Oh my god. अब
गाइस जो आगे वाले हेयर हैं भैया उनको सेट करेंगे और इसके लिए अब दूसरी रबर बैंड यूज़ करेंगे और इन बालों को धीरे धीरे मेरे पीछे वाली जो पोनीटेल बनाई है उनके साथ मर्ज कर देंगे और फिर तुम देखना कितना अच्छा लुक आएगा। बट सॉरी मैंने गलत बता दिया, अभी तो भैया एक हेयर स्टाइल बता रहे थे कि ऐसे करके कर दे मैम, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने मना कर दिया। तो उसके बाद जो मैंने अभी पहले बताया भैया ने फिर वैसे मेरी पोनीटेल बनाई गाइस। ये मुझे स्कूल टाइप्स वाला लग रहा था हेयर स्टाइल। अब देखो भैया ने वो वाले हेयर मेरे पीछे वाली पोनी में पूरे अच्छे से रबर बैंड के साथ टक इन कर दिए हैं और ऐसे ही भैया दूसरे वाले साइड से करेंगे और पूरी स्लीक और क्लीन पोनीटेल निकल के आएगी गाइस। गाइज यहाँ जो भैया ये रबर बैंड दिखा रहे हैं, मैंने उनको कहा था अच्छे से शो करने के लिए, तो इसमें क्या होता है एक बॉबी पिन में हम रबर बैंड डालते हैं और दूसरी बॉबी पिन से अटैच कर देते हैं। उसके बाद उस रबर बैंड को अपनी पोनीटेल पे ऐसे राउंड 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 करके लगाते हैं, तो इससे क्या होता है कि पोनीटेल आपकी एक ही जगह रहती है, हिलती नहीं है बिल्कुल भी और टाइटली पैक हो जाती है। इससे थोड़ा बहुत सर दर्द होता है यार, बट चलता है, फैशन के लिए इतना तो चलता है गाइज। अब गाना सुन लो, मैं फिर से थक गई, बाय। अब गाइस भैया ने मेरी जो पोनीटेल थी उसका पार्टीशन किया दो तीन हिस्सों में और बैक कॉम की, बैक कॉम से बाल बिल्कुल भी नहीं उलझे हैं मेरे, मैंने अच्छे से सुलझा भी लिए हैं। ये बहुत लाइट वाली बैक कॉम थी, तो तुम लोग कर सकते हो ऐसे, तो मैं घर पे भी अपनी खुद कर लेती हूँ। और इस वाली पोनीटेल को बोलते हैं हॉर्स टेल स्टाइल, जैसे ये घोड़े की पूँछ होती है ना गाइस, वैसे वाला स्टाइल दिया भैया ने। उसके बाद हमने प्रेसिंग मशीन से या स्ट्रेटनर से आगे वाले बाल कर्ल करे और फिर आई एम रेडी गाइज। मेरा हेयर स्टाइल बताओ अब तुम लोग की कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत जल्दी बन गया था, आई गेस 20-25 मिनट्स में। कर्ल्स करने में थोड़ा टाइम लग गया था बट बहुत इजी था और बहुत अच्छा था। अब इन्जॉय करो मेरा फेवरेट सॉन्ग और मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना तुम लोगों को कैसा लगा ये हेयर स्टाइल। बाय गाइज़।